आपको बता दें, पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है, जहां पर आज मोहल्ला लोधेश्वर नगर RWE के पीछे नई बस्ती फूटा कुआं बबेरू रोड बांदा के निवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय, जहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित लोगों ने बताया कि पलहरी नहर के पास मात्र एक या दो पोल ही हैं, जिसमें लगभग मोहल्ले के अधिकतर विद्युत कनेक्शन जुड़े होने के कारण पावर लोड बहुत ज्यादा है, जिससे कम फेज की आपूर्ति होती है। कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से डोरियों में आग भी लग चुकी है व बारिश में लोहे के लगे पोलों में अक्सर करंट भी आ जाता है। साथ ही लगभग 15 से 20 मकान नए बने हैं, जिनमें विद्युत कनेक्शन की अति आवश्यकता है, पर खंभे से अधिक दूरी होने के कारण विद्युत कनेक्शन विभाग द्वारा असंभव बताया जा रहा है। इस तरह की भीषण गर्मी में विद्युत के साथ साथ पानी और बच्चों की शिक्षा जैसी हर तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा क्या नाम है। है भैया आपका? जय कहाँ से आए? प्रकाश, कहाँ से आए आप? हम RWGM के पास बबेरू रोड फूटा कुआं से। किस तरह की समस्या लेकर के आए? समस्या हमारी ये है भाई साहब कि वहाँ पे ना ही सड़क है ना ही लाइट की उचित व्यवस्था है। कम से कम 300-400 मीटर डोरी हम लोग फैलाए हुए हैं, अपने प्राइवेट लोहे के पोल गपाए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आए दिन लो वोल्टेज आता है, जिसमें से एक ही खंभे से सारे कनेक्शन हैं, कोई खंभे नहीं है, ना ही उचित वोल्टेज मिलता है। और उचित वोल्टेज ना मिलने के कारण हमें ना तो पानी मिल पा रहा है और ना ही सही से लाइट मिल पा रही है। और आए दिन वहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगती है डोरियों में, क्योंकि एक ही खंभे से सारे कनेक्शन हैं। कभी रोड में डोरियाँ गिरती हैं तो किसी के दरवाजे में टकराती हैं। और रोड की समस्या ये है कि थोड़ा सा बारिश होने पर जल भराव हो जाता है, ना ही हम लोग निकल पाते हैं, ना ही हमारे बच्चों की स्कूल की बहनें निकल पाती हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे यही है कि रोड और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराई जाए और यथावत वहाँ पे खंभे और उचित मतलब ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई जाए। अभी अधिकारी आप लोगों के पास आए थे, क्या आश्वासन दिया आप लोगों? उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखिए उसकी जांच करवाते हैं, लेकिन इस तरह हमने कई बार एप्लीकेशन दिया है लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं मिलता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।